हम आपको हाउस चुनने का पूरा अधिकार देते हैं। अगर आप प्रिंसिपल सर के पास या मैनेजमेंट के पास ये बात कहते हैं कि सर मुझे कुछ 2-3 क्लास एक्स्ट्रा चाहिए, उसके लिए भी हमारे यहाँ व्यवस्था है। तो हमारा मॉडल ब्रॉड है, हमने मॉडल को बांध के नहीं रखा हुआ कि नहीं नहीं 2 बजे के बाद अगर तुम पूछोगे तो हम नहीं बताएंगे। मान लीजिए आपकी 2 बजे की छुट्टी हो गई, 2:15 बजे बस खुलने वाली है और आप मेरे पास आए, सर सिम का स्पेलिंग याद नहीं है क्या बता दीजिए, और हम कहें उस समय क्या हम कहते हैं कि नहीं छुट्टी हो गई है कल बात कर रहा हूँ। कभी मैंने ऐसा जवाब दिया है? नो सर। बिकॉज हमारा मैनेजमेंट मॉड्यूल को उतना फॉलो नहीं करके एजुकेशन के मॉड्यूल को फॉलो करता है। इज इट ओके? नो सर। इस पर कोई सवाल? नो सर। और नए बच्चे आप ये जान लीजिए कि मैं 80% क्वेश्चन बुक से नहीं देता, 80% मैंने 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन में बुक से नहीं दूंगा। अब इतना अच्छा पढ़ाया है तो मैं पूछ सकता हूँ व्हाट डू यू मीन बाय सिम, तो आप लिखेंगे। अब लिख लीजिए सिम का फुल थ्योरी, सिम लिख लीजिए। समझ में तो आ गया है लेकिन आपको लाइंस लिखवा देता हूँ। रेफर एज, और ये फुल फॉर्म लिख दो, सिम रेफर एज, क्या चीज़ इसमें नहीं आर ई एफ या इज रेफर एज। आप ये समझ सकते हैं कि अगर मैंने कॉपी में लिखवाया है तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अब आप लौट लेते हैं तब या समझ में आ गया है तब, ये आपकी मर्जी है। सिम इज रेफर एज सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। सिम का फुल फॉर्म लिखो, सिम का फुल फॉर्म लिखो। सिम इज रेफर एज सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, एक ही लाइन में अरे लाइन तोड़ के लिखो साफ साफ। And it generate a name, a number. It generate a number. एक नंबर मिलता है कि नहीं आपको सिम लेने के बाद? It generate a number. Generate a number. To its subscriber. To its subscriber.